हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जुडिशरी या जुडिशियल इश्यूज से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस टॉपिक पे ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। आप अगर जुडिशियल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पुराने लेक्चर्स हमारे जुडिशियल से रिलेटेड आप सारे देख पाएंगे। आज फिर से एक बार हम बात करेंगे कि जुडिशियरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, खासतौर से हायर जुडिशियरी मतलब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, उसमें जजेस के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स कैसे किए जाते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स रहे या गवर्नमेंट के उसमें इनिशिएटिव्स रहे, जिसकी वजह से आज जो सिस्टम है, खासतौर से कोलिजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स का, वो एक्चुअली काम करता है। इसके अलावा जो जुडिशियल ट्रांसफर्स हैं, बहुत बार इनमें कॉन्ट्रोवर्सी भी हो जाती है। कई लोगों का कहना है कि हो सकता है जुडिशियल ट्रांसफर्स जो हों सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से ना हो, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे मोटिव्स या फैक्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों, आइए फिर से एक बार आपका स्वागत है कि एक्चुअली ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। अभी हाल ही में जो चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी, उनको ट्रांसफर किया गया मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट के लिए, और इसकी वजह से कई सारे क्वेश्चंस, कंट्रोवर्सीज उठने लगी कि एक्चुअली ये जो ट्रांसफर है या ऐसे जो ट्रांसफर्स हैं, क्या हमेशा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से किए जाते हैं या इनमें कहीं एक एलिमेंट हो सकता है पनिशमेंट का, कि जिसको पनिश किया जाना हो किसी भी वजह से उसको आप ऐसी जगह भेज दें शायद जो इतनी प्रेफर्ड लोकेशन ना हो। सिमिलरली 2019 में भी उस वक्त के जो जस्टिस विजय के थिल्मरानी थे चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, उनको भी जब मेघालय ट्रांसफर किया गया मद्रास हाई कोर्ट से, तो उन्होंने एक्चुअली वहां ज्वाइन करने की बजाय उन्होंने रिजाइन करना ज्यादा प्रेफर किया। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या प्रोविजंस हैं जब बात आ जाए जजेस के ट्रांसफर्स की। जो आर्टिकल 222 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक्चुअली मेथड प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी इंक्लूडेड है, उनका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। और आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट हैं वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और उसके बाद एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस को, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी जज होंगे जिनका ट्रांसफर होगा उनको एक कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जिसके हेड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जज का ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर ले और उनका बेसिकली कॉन्करेंस भी ले लें। कई बार ऐसा हुआ है कि एक्चुअली ये जो प्रपोजल्स हैं, इन प्रपोजल्स के थ्रू जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स के, उसमें कम से कम 1/3 जो जजेस हैं वो स्टेट के बाहर से होना चाहिए। जैसा आप ऑल इंडिया सर्विसेज में देखते हैं, आप IAS में देखते हैं, आप IPS में देखते हैं, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी देखते हैं कि एक्चुअली कुछ इनसाइडर सीट्स होती हैं, मतलब उसमें स्टेट के लोग ही अपने खुद के स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें कई सारी आउटसाइडर सीट्स होती हैं कि सारी की सारी, मान लीजिए यूपी कैडर को ले लें तो सारे के सारे IAS जो सेलेक्ट होते हैं किसी भी बैच में वो यूपी से नहीं हो सकते। एक सर्टेन परसेंटेज यूपी से होंगे और एक सर्टेन परसेंटेज यूपी के बाहर से होंगे, और ये इस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है कि जो बाहर से होगा उसके हो सकता है यूपी के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट कम हो, या उसके रिलेशंस कम हो, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बेसिकली कम हो, शायद प्रेशर किसी ना किसी तरीके से कम हो। यही प्रपोजल हाई कोर्ट्स की जजेस या हाई कोर्ट्स की बेंचेस के लिए भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली क्या व्यू है जब बात आ जाए हायर जुडिशरी के जजेस के ट्रांसफर को लेके, इसमें जो सबसे लैंडमार्क कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स माने जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट जजेस केस हो या सेकेंड जजेस केस हो, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकलचंद हिम्मतलाल सेठ 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली पहली बार इस आइडिया को ट्रांसफर के रिजेक्ट कर दिया कि हाई कोर्ट के जजेस को तभी ट्रांसफर किया जा सकता है जब हाई कोर्ट के जज खुद उससे अग्री करते हो, सहमत हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किसी भी जज को ट्रांसफर किया जाता है, वो खुद उससे सहमत हो या ना हो, जैसे बाकी सर्विसेज में होता है, अगर आपका शासन ट्रांसफर करता है, गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, तो आपकी मर्जी हो या ना हो आपको नई पोजीशन, नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेम लॉज हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर पर भी लागू होते हैं, उनकी खुद की कंसेंट ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी ट्रांसफर्स हो वो तभी किए जाने चाहिए जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। पहली बात। दूसरा कि जो प्रेसिडेंट होंगे
वो अंडर ऑब्लिगेशन होंगे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके ही जजेस का ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, किसी भी जज के ट्रांसफर से पहले उसके जितने भी फैक्ट्स हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, बाकी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको प्रॉपरली स्टडी या स्क्रूटिनाइज कर पाएंगे। तीसरा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका राइट है, अधिकार है, उनकी ड्यूटी भी है कि जो भी फैक्ट्स हैं पर्टिकुलर जज से रिलेटेड, उनको आप बुलाएं, लोगों से आप कंसल्ट करें, फीडबैक लें, और उसके बाद एक मेजर्ड, एक जुडिशियस एडवाइस आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दें, अपनी रिकमेंडेशन फेवरेबल या अनफेवरेबल के साथ। उसके बाद इस 1977 के जजमेंट, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकलचंद हिम्मतलाल सेठ कहा जाता है, इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, वो आया 1981 में, और इस 1981 के जजमेंट को फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। ये रहा एसपी गुप्ता वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली एक बार फिर से हम जो 1977 में हमारा जजमेंट हुआ, उसको हम फिर से स्क्रूटिनाइज करना चाहेंगे, और ये जो पूरा इश्यू है कि जजेस को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है हायर जुडिशियरी के, इसको फिर से हम टोटो में देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जजमेंट दिया कि एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जब तक वो कॉन्कर नहीं करेंगे तब तक प्रेसिडेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हां या ना को प्रेसिडेंट ओवर रूल कर सकते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट जजेस केस आया 1981 का, जिसका टेक्निकल बेसिकली नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको प्राइमेसी दी जाएगी जब बात हो अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर्स ऑफ जजेस की। लेकिन ये फिर पलट दिया गया 1993 के सेकंड जजेस केस में। जब 1993 का सेकंड जजेस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया, तो उन्होंने कहा कि जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, और खासतौर से इमरजेंसी के टाइम पे जो बेसिकली एक्सपीरियंसेस रहे उनको देखते हुए, और एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी में अंड्यू जो इंटरफेरेंस है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए, अब हम ये ओपिनियन देते हैं कि एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनके साथ प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना जरूरी है, ये पहले जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय लेंगे, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। मतलब ये सेकंड जजेस केस हुआ 1993 का, यहां से स्टार्ट हुआ अभी जो सिस्टम चल रहा है कोलिजियम का। इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसी के हिसाब से ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स आगे किए जाएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेकंड जजेस केस का, कि जो ओपिनियन होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इसका मतलब सिर्फ उनकी पर्सनल ओपिनियन नहीं या उनकी अकेले की ओपिनियन नहीं, ये प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, मतलब बाकी जजेस की क्या मेजोरिटी ओपिनियन है, वो रिफ्लेक्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन को। इसको कहा जाएगा कोलिजियम ऑफ जजेस। मतलब हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी के ट्रांसफर के अगेंस्ट हो, लेकिन अगर बाकी चार लोग जो कोलिजियम में है वो उसके फेवर में होंगे, तो यही अल्टीमेट एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दी जाएगी। ये जो कोलिजियम एरा है, इसमें यह भी कहा गया कि जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी इंक्लूडेड हैं, इसको इनिशिएट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनकी राय में वो जो भी एडवाइस देंगे, वो जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो डिटर्मिनेटिव होगी। कंसेंट है, जिस जज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उसका कंसेंट जरूरी नहीं है, जो कि 1977 का पहला जजमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकलचंद हिम्मतलाल सेठ, वो अभी भी लागू रहेगा, चाहे वो जज अग्री करे या ना करे। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद उनके ट्रांसफर ऑर्डर सैंक्शन हो जाता है, तो उसको फॉलो करना ही होगा। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी ट्रांसफर्स हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही होने चाहिए, और इसी मोटिव से होने चाहिए कि किस तरीके से जो जस्टिस है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर किया जा सके पूरे कंट्री के अंदर। और जज को अगर आप ट्रांसफर करेंगे किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो पहले जिस कोर्ट से आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे, साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट में
आप उनको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उनके उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये भी एक या एक से ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो इस पोजीशन में हैं कि अपना फीडबैक ओपिनियन दे सकें उस पर्टिकुलर ट्रांसफर को लेके, उनसे वो फीडबैक भी लेंगे। अगर बात आ जाए किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर के लेके, तो उस केस में आप एक्चुअली चाहे तो किसी भी नॉलेजेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका फीडबैक ले लें, और सभी के व्यूज को आप राइटिंग में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद वो जो व्यू, वो जो फीडबैक आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मिलेगा, उसको आप कोलिजियम के सामने रखेंगे। और जब बात हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उस केस में फुल कोलिजियम जो है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस, तो कोलिजियम पांच बेसिकली लोगों का है, उन सबके सामने आप उस फीडबैक को, ओपिनियन को, उस ट्रांसफर अपॉइंटमेंट को आप रखेंगे। उसके बाद कोलिजियम की जो मेजोरिटी राय है उसको आप बेसिकली रेकमेंड करेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर को, वहां से वो जाएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, और वो बेसिकली एडवाइज करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि एक्चुअली इनका ट्रांसफर कर दिया जाए या इनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। दोस्तों, क्यों ऐसा हो जाता है कि अगर सिस्टम इतना सिस्टमैटिक है, क्लियरली लेड आउट है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें तीन इंपॉर्टेंट जजमेंट आ चुकी है, 1977 फर्स्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जज का खुद का कंसेंट जरूरी नहीं है उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में। पहला जो 1981 का जजमेंट रहा, जिसको फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी, लेकिन जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो एक्चुअली इस एडवाइस से बाउंड नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिलेगी। यह कहा गया फर्स्ट जजेस केस में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कब ओवर रूल किया, 1993 के सेकंड जजेस केस में, जिसमें यह कहा कि जो कोलिजियम रेकमेंड करेगी उसको प्रेसिडेंट बेसिकली ओवर रूल नहीं कर सकते, उसी के हिसाब से ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स होंगे। कंट्रोवर्सीज फिर भी उभर आती हैं, और कई बार कंट्रोवर्सीज इसलिए भी उभर आती हैं क्योंकि कई बार हो सकता है जो बार हो या जो पब्लिक ओपिनियन हो, उनको ऐसा लगने लगे कि कई सारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं ऑनरेबल जजेस के, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अलावा उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या कुछ ना कुछ प्यूनिटिव एलिमेंट भी हो। किसी को अगर आपको पिनलाइज करना है, पनिश करना है, उसको भी आप ट्रांसफर में बेसिकली हो सकता है इन्फ्लुएंस करें। इसका मतलब कि एक्चुअली क्यों किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, किसका अपॉइंटमेंट क्यों किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसकी डिटेल्स क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो यह बहुत ओपेक सा सिस्टम समझा जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि किसी ट्रांसफर, किसी पोस्टिंग के पीछे जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो एक्चुअली है क्या। और इसकी वजह से कई लोगों का यह कहना है कि क्यों ना जो प्रोसीडिंग्स है कोलिजियम, इनको पब्लिक किया जाए ताकि लोग भी देख सकें कि एक्चुअली क्या क्या लॉजिक रहा किसी के फेवर में या किसी के डिसफेवर में जब बात होती है ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का, दोनों का यह कहना है कि अगर इस इंटरनल वर्किंग को हम पब्लिक कर देंगे तो हो सकता है जो जज हैं उनके वर्किंग पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएं कि लोग उन पे बेसिकली सस्पेशन करने लगें। साथ ही साथ हो सकता है जो जज की परफॉर्मेंस हो, उनकी इंडिपेंडेंस हो, वो भी इस इंफॉर्मेशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज होना शुरू कर दे, लोग एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज भी करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस वजह से क्योंकि जो कोलिजियम की बेसिकली वर्किंग है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती, कई सारे जजमेंट्स हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में हो सकता है पब्लिक गुड के लिए, हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लेकिन लोगों को तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने की वजह से कई बार कंट्रोवर्सी के घेरे में भी आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी पूछें तो एक्चुअली ये जो डिबेट है खासतौर से हायर जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स को लेके, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेके लगातार पिछले 3-4 डिकेड से बनी हुई है, और इसीलिए 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी भी बेसिकली लाई गई, एनजेएसी बिल लाया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और इससे जो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी जैसा पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम बता चुके कि जुडिशियल पेंडेंसी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग से एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में खासतौर से हायर जुडिशियरी को लेकर, तो रिफॉर्म्स कि अगर किसी एक ब्रांच को जरूरत है तो वो डेफिनेटली जुडिशियरी है। आज की तारीख में 4.5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है,
एक कोर्ट केस को एवरेज 10 साल से ज्यादा लगते हैं पहले जजमेंट में, उसके बाद आप उसकी अपील करेंगे, अपील के बाद अपील करेंगे, हो सकता है आपकी एक या दो पीढ़ी सिर्फ उस कोर्ट केस को लड़ने में ही खत्म हो जाए। और गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि कोर्ट केसेस में फंसे रहने की वजह से 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कैपिटल हमारी लॉक्ड है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो ये हाई टाइम है कि एक सिस्टमैटिक तरीका हो अपॉइंटमेंट्स का, जिसमें कई सारे रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं, कि कोलिजियम सिस्टम को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे इसकी वर्किंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, साथ ही साथ जुडिशियरी में भी एक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से लाई जाए, क्या एनजेएसी को वापस रीइंट्रोड्यूस किया जाए या और कोई मैकेनिज्म लाया जाए या जुडिशियरी को आरटीआई के अंडर लाया जाए, इसको लेकर भी काफी डिबेट लगातार बनी हुई है। या जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, इसी की तर्ज पे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी बनाई जाए। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने इसके इंडिकेशंस भी दिए हैं, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं जुडिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक राय ना बन पाने की वजह से इन रिफॉर्म्स को अभी तक शायद इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन आई थिंक अब टाइम आ गया है कि एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स के साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। सो द ओनस इज ऑन जुडिशियरी एज वेल एज गवर्नमेंट कि किस तरीके से एक साथ आके ऐसे मैकेनिज्म्स डिवाइस करें, चाहे वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो, चाहे एनजीएसी का इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम का रिफॉर्म हो, या एक्चुअली आरटीआई के अंडर जुडिशियरी को हम लाएं, या जो 40% से ज्यादा सीट्स वेकेंट है हमारे कोर्ट्स में उनको बेसिकली फिल करें, ताकि ये सिस्टम जो है हमारा जुडिशियल सिस्टम, ये ज्यादा अकाउंटेबल हो सके, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, पेंडेंसी कम हो सके और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हम इंसर्ट कर सके हमारे पूरे जुडिशियल मैकेनिज्म में। स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत।